इसका चबूतरे का हमको निकाल देना है ऊंचाई, ठीक है। तो मानो यहाँ पर एक ये चबूतरा की तरह है, ठीक है ना। बेलन इसमें क्या करना है, चबूतरे की ऊंचाई। तो माना यहाँ पर अगर ज्यादा माटी है उसको एक जगह रख देगा लोग तो इस तरह ना बन जाता है, इस तरह बन जाएगा भिड़ी खाली बन जाएगा, ये बनेगा बेलन की तरह। इसमें निकालना क्या है, इसमें ये दो चीज बताना है। एक बताना है कि मिट्टी से बने चबूतरे का आयतन फर्स्ट, और यहाँ पर मिट्टी इसी तरह मिट्टी को निकाल कर बना चबूतरे के आयतन, यानी इस तरह चबूतरा बनाया बढ़िया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसका अंदर से छोड़ छोड़ के आप पूरा मटिया निकाल के फिर एक और चबूतरा बना दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो हाई चबूतरा बन रहा है नायका चबूतरा, इस चबूतरा का हम लोग याद करना है ऊंचाई। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखो इसका ऊंचाई जो यहाँ पर दिया है ये चबूतरा का, ठीक है ना, यानी पहले जो चबूतरा बन गया है उसका ऊंचाई यहाँ पे है 20 मीटर, और इसका रेडियस त्रिज्या तो किताब में त्रिज्या दिया है 7 cm, तो इसका 3.5 है, 3.5 पता है, तो 3.5 हो जाएगा। इसको हम लोग चेंज करने का मन हो तो चेंज कर सकते हैं, 35/10, 35/10 आएगा, ये कट जाएगा आप लोग का तो आ जाएगा 7/2 meter, ठीक। इसका ऊंचाई 20 मीटर, इसका रेडियस आ गया 7/2 meter। अब इसको कॉर्नर कौन सी है यहाँ पर, अब यहाँ पर ज्ञात करना है सबसे पहले का बात कि प्लेटफॉर्म का आयतन यानी चबूतरे का आयतन। देखो यहाँ पे हिंदी में बना दे रहा है चबूतरे की आयतन, चबूतरे की आयतन, तो चबूतरे की आयतन में आपका हो जाएगा आयतन, या चबूतरा का आयतन दे दिया है यहाँ पर होता है इसको कहना LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लंबाई आपका दे दिया है 22 मीटर गुना यहाँ पर 14 मीटर गुना करेंगे आ जाएगा 308 मीटर स्क्वायर, ठीक। इसे गुना करने बात है 308 मीटर स्क्वायर ही चला यहाँ पर ऑटोमेटिक गुना। ऊंचाई यहाँ पर मान के चल रहा हम लोग के चबूतरे की ऊंचाई जो बड़का H, ठीक है ना, चबूतरा की ऊंचाई हमने माना क्या है यहाँ पर H। आप यहाँ पर देखो मिट्टी को खोद कर, बना चबूतरे तेरे का आयतन, बराबर मिट्टी से बना चबूतरे का आयतन, चबूतरे का ऊंचाई है H मान लिया। अब मिट्टी को खोद कर यानी जो इसमें है और जो बना हुआ है उसमें से निकाल कर अलग जो बना है उसका आयतन, ठीक है ना, उसका आयतन। अब फिर यहाँ पर मिट्टी से बना चबूतरे का आयतन करे मतलब ये चबूतरा जो है इसमें से निकाल लिया जाएगा मटिया तो हो जाएगा बेलन ना, हो जाएगा अलग बना दिया जाएगा, वो होगा चबूतरा। चबूतरा का जो प्लेटफॉर्म जाएगा ना या स्टेशन बताता है नहीं, लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म है तो हिंदी बोलते हैं चबूतरा उसको, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है प्लेटफॉर्म। तो देखते हैं आप अगर मानो इसमें से माटी निकाल जाएगा तो क्या बचेगा, बेलन इन बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा। तब बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, πr² h होता है बेलन का यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा चबूतरे की ऊंचाई, ठीक है ना, चबूतरे का क्षेत्रफल गुने चबूतरे की ऊंचाई। तो यहाँ ध्यान दो चबूतरे के आयतन, यहाँ पर चबूतरे का आयतन कितना दिया है 308 दिया है, तो 308 हो जाएगा चबूतरे का आयतन, ठीक है ना। और चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है तो चबूतरे की ऊंचाई यहाँ माना गया है H, तो जाएगा H, ठीक। अब यहाँ इसको हम बैठाएंगे तो किस तरह होगा, देखो 22/7 गुने आर का वैल्यू 7/2 गुने 7/2 इंटू यहाँ पर 20 कहाँ पे है कि यहाँ पे दिया हुआ है इसका कितना, हाँ यहाँ H दिया है इसका ऊंचाई, यह दिया हुआ है 20 है इसका ऊंचाई दिया हुआ है 20। तो यहाँ देखो ये कटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा 10 बार में, फिर यहाँ पे 2 से कट जाएगा 5 बार में, फिर हम इसको 7 से 7 कट जाएगा। अब देखो हम गुना कर यहाँ बराबर हो जाएगा 308 गुने यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ा H लिख दो अच्छा रहेगा, बड़ा H इसको उतारो यहाँ पर, क्या करेंगे कट गया। अब यहाँ 22 में 7 से गुना 154 आ गया, 154 5 से गुना करेगा आ जाएगा 770, तो यह हो जाएगा 770 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 308 इंटू H बड़का H, ठीक है। अब इसको इधर ला देंगे खींच के तो हो जाएगा 308 ऊंचाई मतलब H ऊंचाई होता है, और 770 इधर ये गुना में इधर भागा में जाएगा, यानी हो जाएगा H बराबर 770 / यहाँ पर 308, इसको हम लोग कटा देंगे तो आ जाएगा 2.5 मीटर,
यानी इसका जो चबूतरा की ऊंचाई है हमको मिल गया 2.5 मीटर इसके अंदर। समझते हैं लोग, ये कुआं के यहाँ इर्द गिर्द में एक वलय बना गया है। देखना कुआं बनता है ना, ठीक है ना, इनार, तो इनारवा के चारू ओरी ठीक बा, देखिए प्लास्तरा हो जाए कि लोग नहाए धोए करते बोला नू, तो हमारा अब यहाँ प्लास्तरा भी बा ठीक बा नू, तो प्लास्तरा के यहाँ पर चौड़ाई दे दिया है 4 मीटर ठीक। और इसका ब्याज जो है ना कुआं का, मैंने कुआं का मुँह कितना दूर में बा, ये मुहावा के यहाँ पर दे दिया है पूरा नाप को बता दिया है कि 3 मीटर है ठीक है ना। तो मानो एक वृत्त की तरह है का, तो वृत्त का मानो वृत्त में क्या होता है कि यदि उसका पूरा अगर मानो ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर अगर यहाँ पर 3 cm है, तीखा हो जाएगा 3/2 नहीं, इसमें 2 से भाग करते हैं क्योंकि डायमीटर का अधेरा होता है यहाँ पर त्रिज्या। तो यहाँ ये दे दिया, और कुआं का जो कितना खोदा गया उसका जितना खोदा गया नीचे वहाँ ऊंचाई है वो ऊंचाई दे दिया है 14 ठीक है ना। अब देखो इसमें ये बोल कर रहा है, इसमें बोल रहा है सिर्फ हमको बांध बांध की ऊंचाई ज्ञात करे, यानी कह रहे मतलब जो है बांधवा बनाया गया ना है एकरे ऊंचाई ठीक बोले एक। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट यहाँ ध्यान दे, देखो यहाँ पर ही और यहाँ देखो यहाँ पे एक R1 मानना है, एक यहाँ पर R2 मानना है। अब यहाँ देखो R1 तो R1 बराबर कितना मानना है, तो ये जो यहाँ पर दिया है 3 मीटर इसका पूरा ब्यासवा, तो यहाँ 3/2 कर देंगे तो क्या हो गया R1 ना हो गया, ये R1 हो गया क्योंकि R निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे ठीक, तो ये R1 हो गया। अभी देखो R2 में क्या होता है, इसका चौड़ाई को जोड़ देना है, जो चौड़ाई दिया 4 मीटर यहाँ पे लिखना है 4 + यहाँ पर 3/2, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 11/2 यहाँ आ जाएगा मीटर। 11 कहाँ से आएगा क्योंकि यहाँ पे लघुतम यह हो जाएगा 8, 8 × 3 = 11/2 ठीक। अब यहाँ इसका H1 कितना हो जाएगा, इसमें H1 H2 दो को मानना है। अब कहा है दो को मानना है क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो चबूतरवा है यहाँ पर जो है वलय है ठीक है ना, तो इसका भी तो एक ऊंचाई होगा, कुछ ना कुछ तो भी ढलाया होगा 2 cm 3 जितना ऊंचाई होगा, तो एगो इसका ऊंचाई एगो इसका ऊंचाई, तो हमारे इसका H1 का ऊंचाई हम लोग का कितना हाई मानना है 14 हो गया ठीक है ना। हमको इसे कितना ऊंचाई ज्ञात करना है ठीक है ना, कि कितना ये प्लास्तरा किया गया इसका इर्द गिर्द में। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ क्या हो जाएगा इसका हो गया ये, अब कुएं का मतलब इसको बांधे ना बोलेंगे चारों ओर से जम बढ़ल भाई बांधे ना, तो बांध के यहाँ पर चौड़ाई आपका हो जाएगा चौड़ाई, चौड़ाई किताब में दे दिया है 4 मीटर ठीक है, यहाँ पर बता भी दिए है और यहाँ पे ये दे भी दिया है 4 मीटर चौड़ी है। अब यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, देखो यहाँ पर मिट्टी से बना कुएं का आयतन, कुएं का आयतन बराबर है यहाँ पर पृथ्वी से बांध का आयतन, पृथ्वी से बांध के आयतन, बांध के आयतन आयतन देखना। जब गढ़ा खुना था ना गढ़ा उनके गांव देहात में, तो क्या बोला खून खून के आरी पारी सब धरा जला मटिया ठीक, अगर यूज है तो कोई घर में यूज कर लेता है, नहीं यूज होता है तो चारों ओर सब भुलुक बन जाना भिड़िकिया ठीक बनू। तो ये भिड़के यहाँ पर पृथ्वी से बना बांध कर जौन ये मटे खोल बनू तब इधर रखाइल बा ओकरे आयतन ठीक बा, तो उसका आयतन देखो तीन जगह आपका पाई मानो अगर माटी खोला गया गहरा हो गया तो क्या हो गया बेलन की तरह का बेलन हो गया, तो पाई R1 स्क्वायर 1 inch बराबर यहाँ पर जाएगा पाई इंटू यहाँ पर देखो R2² - यहाँ पर R1² ठीक, गुना यहाँ पर H2 लिख सकते हैं लोग। नेक्स्ट ध्यान दो, यह हो जाएगा 22/7 गुना यहाँ पर R1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2 के स्क्वायर, और गुना यहाँ पे H का वैल्यू 14 हो जाएगा 14 बराबर यहाँ पर देखो पाई के पाई रन दो बाद में इसका मान रख देंगे, क्या रख दो 22/7 कोई दिक्कत नहीं है। R2 / 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पर R1 का हो जाएगा आपका 3/2 के स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक कौन दिक्कत इस हाथ उतार इसको, ये हो जाएगा 22/7 22/7 हो गया, यहाँ इसका स्क्वायर होता है 9 तो 9/2 हो जाएगा 4 गुना यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 14। अब यहाँ ध्यान दो ये थोड़ा सा लंबा स्टूल में जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 और यहाँ पर देखो हो जाएगा 111/4 यहाँ पर 4 हो जाएगा माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 3×3 = 9/4 यहाँ पर 4। अभी 11 का स्क्वायर हुआ है तो 121 2 का स्क्वायर 4 हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 हुआ है ठीक है ना, गुना यहाँ पर H2। अब
अब यहाँ पे इसको कटाकुटी काम करेगा तो ये दो में कट जाएगा, क्लियर कर सकता है। अब यहाँ पे ये कट यहाँ दू आ गया ना, दू आ गया तो हमको तब कहा तो हम कहाँ बचा तो 9 में 11 से 99 हो जाएगा 99 ना, ये जगह आपका 99 हो जाएगा, 99 इज इक्वल टू। अब यहाँ ध्यान अब ये यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ जाएगा 22/7 तब 112/8 यहाँ हो जाएगा 4 × यहाँ हो जाएगा H, क्लियर H2 या H कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो अब ये क्या हो जाएगा, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा तोड़ देना पड़ेगा। ये अगर 99/22/7 ठीक, अब फिर गुना यहाँ हो जाएगा 112, अब फिर गुना यहाँ पे H2 और 4 चलेगा तो काम करता। अब ये तो अब ये कटेगा 4 से, तो 4 से आपका ये हो जाएगा 11 मरतब में 56 56 8 मन में ई कट गया ठीक। अब यहाँ देखो अब यहाँ ध्यान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 99/ यहाँ पे 11 88 ठीक है ना, एच टू अब लौट के 88/ यहाँ हो जाएगा 88 H2 बराबर 99 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हो जाएगा आपका H2 बराबर हो जाएगा 99/ यहाँ पे 88 ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको 1.125 इसका हो जाएगा आंसर।